सुखजिंदर सिंह रंधावा दे वल्लों कहा गया है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसनों खंगालिया जा रहा है ते जो ये शख्स से यह 11 बजे तक घर के दाखिल होया ते बेअदबी की कोशिश है कोशिश समझी साजिश है। सीसीटीवी फुटेज की लगातार है जो जांच की जा रही है। दोषी सवेरे 11 बजे ही दरबार साहिब के दाखिल होया ते काफी समय तक दोषी दरबार साहिब अंदर है। दस दिए कि जो ये बेअदबी की कोशिश की गई है ये सोची समझी साजिश दसी जा रही है सुखजिंदर सिंह रंधावा के वलों। तो बेअदबी की जो पूरी कोशिश की गई है सोची समझी की साजिश है। सीसीटीवी फुटेज की जो लगातार है जांच की जा रही है सीसीटीवी फुटेज है खंगाली जा रही है। तो दोषी है जो 11 बजे का ही दाखिल होया गुरु घर के। दस दिए कि जेकर गल की जाए तो उस नौजवान के कोल उस शख्स के कोल कोई भी अजिहा चीज़ नहीं सी जिस तो कि यह अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर यह कौन है कितों आया। इस नाल ही दस दिए कि फोनलाइन से साढ़े ना अमृतसर तो पत्रकार जसबीर सिंह साढ़े ना फोनलाइन से जुड़ चुके हैं। जी जसबीर जी जेकर देखा जाए तो बेअदबी की घटना हुई है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो उन्हों का भी बयान है सामने आया जिस विच उन्होंने कहा कि 11 बजे का ही जो ये दोषी है जो मुलजम से वह 11 बजे ही गुरु घर दरबार साहब च दाखिल होया सी। जी जी बिल्कुल इस गल की पुष्टि तो कर दी गई है कि यह व्यक्ति जोड़ा है 11 बजे ये सचखंड श्री हरिमंदर साहब के एंटर होया जिस तो बाद इसने जोड़ा शाम के टाइम रहरास के टाइम जोड़ा है शांति जो सारी संगत बैठ के उसे जोड़े जरा पाठ जोड़ा कर रही थी जिन्होंने उस दरम्यान ही इस व्यक्ति ने जोड़ा है वो बेदबी बेदबी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने की कोशिश की थी जिस दरम्यान इस जरा हिरासत लै लिता गया। लेकिन इसको लैके सुखजिंदर सिंह रंधावा का यह भी कहना है कि ये एजेंसियों का काम हो सकता है इसके जो तार ने वो बॉर्डर पार जुड़े हो सकते हैं। और भी आशंका उन्होंने चलाई है कि जिस तरह के नाल पंजाब के आगामी चोणां होने वाली उस दिन चलते ही पंजाब का जो माहौल है उसको बिगाड़न की जो कोशिश है वो की जा रही है जिसके चलते इस तरह की घटना जी सामने आई है। और घटना सिर्फ सतखंड श्री हरिमंदर साहब ही नहीं उसके अलावा कपूरथला के एक गुरुद्वारा साहब के भी निशान साहब की जी बेनती का मामला जरा भी सामने आया कि उस दरमियान उस व्यक्ति को हिरासत में लिता गया उन्होंने कुटमार की गई। कुटमार तो बाद जोड़ा है वो पुलिस को पता लगा कि वो व्यक्ति के मुताबिक 9 लोग जोड़े ने पंजाब के जोड़े ने दाखिल होए हैं तो बेदबी घटना को अंजाम देने का उन्होंने मकसद है तो पंजाब का माहौल जोड़ा है उसको बिगाड़न के लिए आए हैं। तो इस चलते साफ हो जाता है कि पंजाब के माहौल में बिगाड़न के लिए लगातार जोड़ा है इस तरह की घटनावों अंजाम दिता जा रहा उसको लैके ही अज सुखजिंदर रंधावा वालों ये क्लीयर कर दिया गया कि किसी भी दोषी जोड़ा है वो बख्शा नहीं जाएगा एजेंसियां जो अपना काम कर।